ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल GSM व्लॉग्स। सो गाइस, अभी हम काबूदिरामा बीच पहुंचने वाले थे और हम फाइनली काबूदिरामा बीच पहुंच के हमने वहां पे काफ़ी इन्जॉय किया। ये टॉप पे मैं बैठा था, वो यहाँ पे जो हवा चल रही ठंडी ठंडी है, ओ माय गॉड, उसका तो अलग ही मज़ा था। और इसी के चलते हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने वहां गोवा के गोलगप्पे खाए। और गोलगप्पे के अंदर ये डालते हैं छोले और उसमें पानी डाल के गोलगप्पा देते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट था हमारे लिए। तो मैंने भैया को पूछा भी था भैया कि हरी चटनी वगैरह मिलेगी, भैया बोलते हैं यहाँ पे हम ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं लेते, बट आपको पानी मिल जाएगा साथ में। तो भैया ने सब पानी डाल के हमें दिया था, तो काफ़ी टेस्टी था और खा के तो बहुत ही मज़ा आया। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 2 प्लेट गोलगप्पे खा लिए, और इसी के साथ प्रियंका भी खा रही थी गोलगप्पे, लेकिन प्रियंका के तो होश उड़ गए। तो ये खाने के बाद हम निकल पड़े थे सीधा अपने स्कूटी राइड पे दोबारा। तो इस बार चला रही थी प्रियंका, और प्रियंका ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, जबकि हेलमेट पहनना ज़रूरी था, बट मैंने इसको दे दिया जहाँ पे पुलिस नहीं आती। तो ये रोड आप लोगों को पता होगी तो कमेंट करके बताना। प्रियंका के साथ स्कूटी में बैठ के थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे इतना मैं इसके पीछे बैठा नहीं हूँ ना स्कूटी पे, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। बट स्कूटी काफ़ी अच्छी चला रही थी और इसने हेलमेट नहीं पहन रखा था। मैंने उसको कितनी बार बोला कि हेलमेट पहन ले, बट बोलती कि मेरे को नहीं पहनना, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके थे बीच पे। सो गाइस, चेक करके बताओ ये कौन सा बीच है, और मुझे बताना है कमेंट करके ये कौन सा बीच है। और जो लोग मुझे पता है यहाँ पर काफ़ी लोग गए हुए हैं, तो मुझे बताना कमेंट करके। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे देखा काफ़ी, मतलब एक दो लोग थे जो मच्छी पकड़ रहे थे, और वहाँ पे उस एरिया पे मतलब इतने सारे क्रैब इन्होंने पकड़े। मैं मतलब उनकी वीडियोस मैंने काफ़ी बनाई हैं, तो मैंने इनको देखा लाइव कि मतलब कैसे ये पकड़ते हैं क्रैब्स, मछलियाँ कैसे पकड़ते हैं। मैं भी देख के शौक था कि आप देख रहे होंगे एक एक करके जो क्रैब्स लटके हुए हैं, तो सारे क्रैब्स वगैरह ऐसे लटके हुए थे और वो भी एकदम ज़िंदा थे। मैंने पहली बार मतलब इसको देखा ऐसे क्रैब पकड़ते हुए, और मछलियाँ भी आ रखी थी, मछलियाँ इतनी नहीं आई, बट क्रैब्स को इतने बड़े बड़े क्रैब्स थे, आप देख रहे हो ये भी क्रैब्स है, तो मतलब इतने सारे क्रैब आ रखे थे। मैं तो मतलब हैरान था कि भैया कहते हैं कि मेरे को एटलीस्ट, मैं सुबह डाला था और अभी आ रहा हूँ निकालने के लिए, तो यहाँ पे इतने सारे क्रैब थे, ज़िंदा थे सारे के सारे क्रैब, कोई ऐसे भी थे मर भी गए। लेकिन भाई इस बच्चे की हिम्मत इतनी तगड़ी थी कि इसने तो हाथ में पकड़ लिया, वो भी ज़िंदा था। अब मैंने पूछा कि मतलब ये ज़िंदा है काट देगा, बोलता कि नहीं, इससे एक्चुअली एक टांग था वो कट गया था। तो उसमें क्या होता है कि एक टांग कटने पे ना क्रैब मर जाते हैं, तो फिर मैंने क्रैब को मरते हुए भी देखा, बुरा भी लग रहा था बहुत। सो प्रियंका मुझे कह रही थी कि ये जो क्रैब पकड़ने के लिए, बट मैंने मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि भाई ज़िंदा क्रैब को पकड़ने की हिम्मत मेरे में नहीं है। प्रियंका ने पकड़ लिया था क्रैब, और मैं मतलब हैरान था कि प्रियंका ने क्रैब पकड़ लिया। बट यहाँ पर जितने भी क्रैब्स थे ना, वो सारे मतलब ये लेके जाते हैं और बेचते भी हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अपना सनसेट का व्यू भी इन्जॉय किया, प्रियंका ने तो बहुत इन्जॉय किया। मैं तो बस इसकी वीडियो बना रहा था यहाँ पे, कभी ऐसे कभी वैसे। मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, क्योंकि पूरा दिन मतलब एक तरीके से बोलो तो स्कूटी ही चलाई है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो हमने फिर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर इन्जॉय किया, टाइम स्पेंड करा। इसी के साथ इसकी चप्पल भी टूट गई थी यहाँ पर, और चप्पल तोड़ के मेरे सामने खड़ा कर दिया, बोलती कि गोकुल मेरी चप्पल टूट गई है, लेकिन मैंने चप्पल कितनी बार जोड़ी है मुझे पता है। तो इसने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, और मैंने इसकी रील्स, ये सब रील्स की वीडियोस हैं इसकी, बट मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एज अ वीडियो के तौर पे आपको बताने के लिए कि ये सारी वीडियोज़ हमने बनाई। और सनसेट इतना प्यारा लग रहा था ना, गोवा का सनसेट बहुत प्यारा लगता है। मैं मतलब इतनी सारी रील्स, इतनी सारी वीडियो बना के इसके तब भी पेट नहीं भर रहा था, ये बस कह रही थी वीडियो बना वीडियो बना वीडियो बना। मैं ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे अपना एक थोड़ा सा सनसेट के साथ मैंने एक रील के साथ भी वीडियो बनाना, मैं सोच रहा था कि इसके एक वीडियो बनाऊँगा रील की, तो मैंने ये भी डाल दी इसमें। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी वीडियोज़, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, कलर्स बहुत अच्छे आ रहे थे पानी के, और पानी का बहाव भी इतना तेज़ आ रहा था आगे कि मतलब मैं सोच रहा था कि पाँव में जहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ पानी मतलब मान के चलो 1-2 मिनट पानी और आगे आ रहा है, क्योंकि शाम हो रही थी तो पानी और आगे आ रहा था। तो यहाँ पे प्रियंका भागते हुए खूब इंजॉय करते हुए, हमें यहाँ से निकलते निकलते रात भी हो गई थी, बट हमने यहाँ पे सारी वीडियोस सारी की सारा मतलब मन भर लिया पूरा वीडियो का कि अब सनसेट अब मेरे को नहीं देखना। तो यहाँ पर पूरा सनसेट की वीडियोज़ बनाई है मैंने यहाँ पर, हमें हमारा पूरा दिन यहाँ पर गया इस बीच पर। तो मुझे बताना ये कौन सा बीच है, मैं यहाँ नहीं बता रहा, कमेंट में बताना ये कौन सा बीच है।
और इसी के साथ हमने यहाँ पे अपनी भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं दोनों के साथ मिलके। सो ये हमारी वीडियो है। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि इधर घूमना है कि उधर घूमना है, तो इस चक्कर में मैंने बोला कि यहीं से घूमते हैं। तो हमने ये सारी वीडियोस हमने एक्चुअली रील्स के लिए बनाई थी। सो गाइस मेरे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ मैं सारी वीडियोज़ डालता हूँ, रील्स वगैरह। GSM Vlogs 21 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, फॉलो करो।